गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ़ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम इस क्वेश्चन में हमने टर्म्स और फैक्टर्स बताने हैं बाय ट्री डायग्राम फर्स्ट पार्ट इज एक्स माइनस थ्री टर्म्स हो गई एक्स एंड माइनस थ्री और इसकी फैक्टर्स हैं फैक्टर्स भी यही हो गए एक्स एंड माइनस थ्री फैक्टर्स होते हैं स्मॉल स्मॉल पीसीस लाइक

माइनस वाई एंड वाई एंड दिस इज डी पार्ट फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर वाई तो टर्म्स देर आर टू टर्म्स फर्स्ट टर्म इज दिस सेकेंड टर्म इज दिस दिस इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन दो टर्म्स हैं उसके बाद फैक्टर्स करेंगे इनके तो फैक्टर्स बनेंगे एक तो फाइव एक एक्स एक वाई और वाई क्योंकि वाई की पावर टू है तो टू टाइम्स वाई रिपीट होगा यहाँ सेवन यहाँ एक्स की पावर टू है तो टू टाइम्स एक्स रिपीट होगा और वाई की पावर वन है तो वाई वन टाइम रिपीट होगा दीज आर फैक्टर्स एंड दीज टू आर टर्म्स और इन टर्म्स के आगे फैक्टर्स हैं फोर फोर फैक्टर्स हैं उसके बाद ई पार्ट माइनस ए बी प्लस टू बी स्क्र माइनस थ्री ए स्क्वायर अब ये ट्राइनोमियल है इसके तीनों टर्म्स पहले सेपरेट करेंगे फर्स्ट टर्म इज माइनस ए बी टू बी स्क्वायेयर माइनस थ्री ए स्क्वायर अब इनके आगे फैक्टर्स बनाएंगे माइनस ए बी के दो फैक्टर्स बनाएंगे माइनस ए एंड बी इसमें टू एंड बी एंड बी बिकॉज देर आर देर इज स्क्वायर पावर ऑफ बी बी टू टाइम्स है तो आई वि राइट बी टू टाइम्स यहाँ ए टू टाइम्स है देन आई विल राइट ए टू टाइम्स एंड माइनस थ्री दिस इज सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट इज आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इसमें भी हमने सेम ऐसे ही करना है वी हैव टू आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स फैक्टर ट्री से करो या नहीं करो इट्स आर विश फॉर एग्जाम्पल माइनस फोर एक्स प्लस फाइव यहाँ दो टर्म्स हैं माइनस फोर एक्स और फाइव क्योंकि बाइनोमियल है माइनस फोर एक्स और फाइव माइनस फोर एक्स के दो आगे फैक्टर्स हैं एक तो है माइनस फोर और एक्स इसको हम माइ टू एंड टू भी लिख सकते हैं वी कैन राइट लाइक दिस माइनस फोर को मैंने लिखा माइनस टू एंड टू माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम माइनस फोर और एक्स इसके दो फैक्टर्स हो गए फाइव का एक सिंगल ही फैक्टर होगा अगर हम इसके आगे फैक्टर्स बनाएं तो फाइव ही बनेगा फाइव इस टू वन का कोई लिखने का फ़ायदा नहीं है फाइव का फाइव ही फैक्टर रहेगा सेकेंड पार्ट है माइनस फोर एक्स प्लस फाइव वाई इसमें दो टर्म्स हैं कौन कौन सी माइनस फोर एक्स एंड फाइव वाई माइनस फोर एक्स के आगे फैक्टर बनेंगे एक माइनस टू एक प्लस टू और एक एक्स तीन फैक्टर्स बनेंगे और फाइव वाई के दो ही बनेंगे कि फाइव जो है एक प्राइम नंबर है इसके और फैक्टर्स नहीं बना सकते फाइव एंड वाई उसके बाद थर्ड पार्ट है फाइव वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर दो टर्म्स हैं तो पहले टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट कर ली फिर उनके आगे फैक्टर्स बनाए फाइव वाई के बनेंगे फाइव एंड वाई और थ्री वाई स्क्वेयर का बनेगा थ्री इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर थ्री वाई एंड वाई क्योंकि वाई दो टाइम्स टू तो टाइम्स रिपीट हो रहा है डी पार्ट इज एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बच्चो एक्स वाई इसमें दो टर्म्स हैं एक टर्म हो गई एक्स वाई सेकंड टर्म है टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई के आगे दो फैक्टर्स बनेंगे एक्स एंड वाई इसके बनेंगे टू एक्स एक्स वाई वाई क्योंकि एक्स की पावर भी टू है वाई की पावर भी टू है एक्स भी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है वाई भी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है ई पार्ट इज पी क्यू प्लस क्यू देर आर टू टर्म्स पी क्यू एंड क्यू फिर उसके आगे फैक्टर्स बनेंगे पी एंड क्यू और क्यू का तो अकेला A ही बनेगा क्यू इसलिए मैंने लिखा नहीं आगे एफ पार्ट है वन पॉइंट टू ए बी माइनस टू पॉइंट फोर बी प्लस थ्री पॉइंट सिक्स ए अब इसमें से दिस इज़ अ ट्राइनोमियल इसके तीन बनेंगे हम यहाँ पे माइनस साइन भी मेंशन करेंगे तो मेरे पास बनेगा Uh, three, uh, जो तीन टर्म्स हैं वन पॉइंट टू ए भी एक टर्म बनेगी सेकंड टर्म बनेगी माइनस टू पॉइंट फोर बी थर्ड टर्म बनेगी थ्री पॉइंट सिक्स ए उसके बाद वन पॉइंट इसके आगे तीन फैक्टर्स बनेंगे एक बनेगा वन पॉइंट टू एक ए और एक ए दूसरा माइनस uh, टू और पॉइंट फोर और बी थर्ड बनेगा थ्री पॉइंट सिक्स एंड ए नेक्स्ट पार्ट इज थ्री बाई फोर एक्स प्लस वन बाय फोर दो टर्म्स हैं एक पहली टर्म है थ्री बाई फोर एक्स दूसरी टर्म है वन बाई फोर फिर थ्री बाई फोर एक्स के दो आगे पार्ट्स बनेंगे थ्री बाई फोर एंड एक्स वन बाय फोर सिंगल टर्म है ऐसे सिंगल ही रहेगी उसके बाद लास्ट पार्ट आता है जीरो पॉइंट वन पी स्क्र प्लस जीरो पॉइंट टू क्यू स्क्वेयर देर आर टू टर्म्स उनको टर्म्स को अलग अलग कर लिया फिर हमने फैक्टर्स बनाए छोटे छोटे पीसेस बनाए एक बनेगा जीरो पॉइंट वन फिर पी फिर पी दूसरा बनेगा जीरो पॉइंट टू क्यू एंड क्यू बिकॉज क्यू इज़ रिपीटिंग टू टाइम्स एंड पी इज़ रिपीटिंग टू टाइम्स इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कॉफिशंस न्यूमेरिकल कॉफिशंट क्या होता है वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लगा होता है उसे हम न्यूमेरिकल कॉफिशियन कहते हैं वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है उसे न्यूमेरिकल कॉफिशियन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल देर आर फाइव माइनस थ्री टी स्क्वायर देर इज एक्सप्रेशन इसमें हम वो बोले टर्म फाइंड आउट करेंगे जो जो जिसमें वेरिएबल हो ये कॉन्स्टेंट है इसमें ये वेरिएबल भी है टी स्क्र इज अ वेरिएबल तो टर्म्स हो गई माइनस टी स्क्र माइनस थ्री टी स्क्र आई विल इंक्लूड माइनस साइन ऑल्सो माइनस थ्री टी स्क्र अब मुझे इसका न्यूमेरिकल कॉफिशेंट देखना है नंबर वाला कॉफिशंट टी स्क्वायर से पहले क्या लगा हुआ है माइनस थ्री इट मीन्स मेरा न्यूमेरिकल कॉफिशेंट हो गया माइनस थ्री सेकेंड है वन वन प्लस टी प्लस टी स्क्र प्लस टी क्यूब वन तो लेंगे नहीं दिस इज कॉन्स्टेंट बाकी तीनों टर्म्स हैं जो वेरिएबल यूज जिसमें वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो तीनों टर्म्स ले लेंगे और न्यूमेरिकल कॉफिशेंट कौन सा होगा न्यूमेरिकल कॉफिशियट वो होगा जिसमें हम नंबर के जो इसके आगे अगर इसके आगे कुछ नहीं है इट मीन्स वन है और टी स्क्वेयर से पहले कुछ नहीं है इट मीन्स वन है और टी क्यूब से पहले भी कुछ नहीं है एट मीन्स वन वन है तो न्यूमेरिकल कॉफिशियंट्स हो गए तीन one and one and one. Okay? Plus plus तीनों का वन एंड वन एंड वन ओके थर्ड है एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई यहाँ तीनों टर्म्स ऐसी हैं जिसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है तो तीन टर्म्स है एक्स दूसरी है टू एक्स वाई तीसरी है थ्री वाई अब मुझे न्यूमेरिकल बताना है नंबर कॉपिशन न्यूमेरिकल कॉपिशन बताना है एक्स से पहले वन है इट मीन्स वन हो गया एक्स वाई से पहले नंबर है टू और वाई से पहले है थ्री तो आंसर हो गया वन टू थ्री नेक्स्ट इज़ हंड्रेड एम प्लस थाउजेंड एन हंड्रेड एम टर्म्स दोनों में वेरिएबल यूज़ हो रहा है इट मीनस दोनों टर्म्स हैं और न्यूमेरिकल क्या है नंबर क्या है न्यूमेरिकल कॉफिशेंट इज हंड्रेड एंड थाउजेंड नेक्स्ट इज़ माइनस पी स्क्र क्यू स्क्र प्लस सेवन पी क्यू दोनों ही वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं दोनों टर्म्स में इसलिए दोनों ही टर्म्स हैं अब माइन अब साइन देखेंगे जिसके आगे कुछ नहीं है वन है और माइनस के साथ है माइनस वन और दूसरा सेवन हो गया नेक्स्ट है वन पॉइंट टू ए प्लस जीरो पॉइंट एट बी दोनों टर्म्स हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज हो रहे हैं यहाँ ए वेरिएबल है या बी वेरिएबल है उनसे पहले न्यूमेरिकल कॉफिशन कौन सा है इससे पहले न्यूमेरिकल जीरो पॉइंट एट तो आंसर यही हो गया नेक्स्ट है थ्री पॉइंट वन फोर आर स्क्वायर आर स्क्वायर इज ऑल्सो वेरिएबल आर स्क्वायर टर्म तो टर्म हो गई थ्री पॉइंट वन फोर आर स्क्वायर क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज हो रहा है न्यूमेरिकल कॉफिशन क्या हुआ जो आर स्क्वायर से पहले है थ्री पॉइंट वन फोर जो नंबर एट है टू इन टू एल प्लस बी पहले मैं इसको ओपन अगर मैं इसको ओपन करूं अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो बनेगा टू एल प्लस टू बी तो दो टर्म्स हो गई क्योंकि दोनों में वेरिएबल यूज हुआ है तो यहां पे दो टर्म्स है टू एल और टू भी दो टर्म्स है और न्यूमेरिकल कॉफिशियंट एल का भी न्यूमेरिकल कॉफिशियंट टू है और बी का भी न्यूमेरिकल कॉफिशेंट टू है नंबर कॉफिशियंट जीरो पॉइंट वन वाई प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन वाई स्क्वायर दोनों में दोनों टर्म्स में हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है इसका मतलब दोनों ही टर्म्स हैं और हम दोनों का वेरिएबल न्यूमेरिकल वेरिएबल देखेंगे तो वाई से पहले आ रहा है जीरो पॉइंट वन और वाई स्क्वायर से पहले आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो वन इट मीन्स जीरो पॉइंट वन और जीरो पॉइंट जीरो वन दीज आर माई आंसर दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे